हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल इन गो विद ट्रेंड। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन एनकैप्सुलेशन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनकैप्सुलेशन दैट व्हाट वी हैव डिड इन द लास्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टुडे इन द टुडे सेशन। सो कीप वॉचिंग एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन वीडियो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो जैसे कि आप कह रहे हो कि हम हमारे हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक एग्जांपल में अपने उन एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं जो हमने उससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ होता है। लाइक हमने जो एग्जांपल्स किए होते हैं स्लाइड्स में हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस में। सो कहीं कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मुझे फीडबैक दे देना अपना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रही हूँ पर्सन नेम से। ओके एंड क्लास क्रिएशन का हमारा फॉर्मेट वही है जिस तरीके से हम करते हैं क्लास क्रिएट। देन मेरे पास मेरा एक फंक्शन है एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मेथड बट एक्चुअली ये होता फंक्शन ही है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। देन मैं इसमें लूँगी दो आर्ग्यूमेंट्स, सेल्फ इज अर ऑब्जेक्ट। देखो जो हम एग्जाम्पल आज कर रहे हैं डिस्कस हम ऑलरेडी इसे कर चुके हैं डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज टू। जब से हम ऑब्जेक्ट इन क्लासेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं हम तब से इन एग्जांपल्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं एंड जो एट्रीब्यूट्स मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने अभी यूज़ किए वो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सो इसी से समझा रही हूँ आपको समझ में चलती आ जाएगा। देन सेल्फ देन डे डॉट नेम देन इक्वल्स टू नेम उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। सो गाइस यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है मेरा पहला फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मेरा यहाँ क्रिएट होगा मेथड विद द नेम ऑफ द डिस्प्ले। ठीक है इसमें अगेन हमारे पास हमारा ये एज एज सेल्फ में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके हमारे पास यहाँ पे सेल्फ में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट एस ई एल पी सेल्फ। ओके देन कॉलन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को। हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं इसके अंदर में, तो मैं तो चाहती हूँ सेल्फ डॉट नेम। ठीक है एंड देन प्रिंट सेल्फ डॉट एज। ठीक है तो इतनी चीज़ें तो आई होप क्लियर होंगी बिकॉज इतना हमने पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसके ऊपर, बट नहीं हुआ कुछ क्लियर तो प्लीज़ मुझे बता देना। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक नया क्लास बनाया है पर्सन नेम से। ओके आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास विद द नेम ऑफ पर्सन। इट इज़ अ चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास है और ये वाला पर्सन मेरे पास मेरा डिराइव्ड क्लास है एज अ बेस क्लास है ये। ठीक है एंड अब मैंने यहाँ पे क्या किया है उसकी वैल्यूज़ को मैं इनपुट कराऊँगी। जिन मैंने यहाँ लिख दिया है ऋषि। ओके एंड विदिन कॉमा मैंने लिख दी है इसकी एज। ठीक है तो इतनी चीज़ें तो क्लियर होंगी क्योंकि ये चीज़ें पहले कर चुके हैं। अब मैं इसको करती हूँ रन, देखते हैं इसमें कुछ एरर आता है या नहीं। तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स दैट कि मेरा कोड यहाँ तक का बिल्कुल सही है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम राइटिंग कमेंट्स। ओके ताकि आपको समझ में आ जाए एसेसिंग द क्लास मेथड। अब मैं यहाँ पे क्लास के मेथड को एसेस करूँगी। क्लास मेथड कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, मैंने बताया था अभी ध्यान से अपने इसमें आपको क्लास मेथड से क्या समझ में आया ये मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना। आपको क्लास मेथड के नाम से क्या समझ में आया यहाँ पे हमारे पास क्लास मेथड कौन सा है, ठीक है प्लीज़ बताना मुझे ताकि मेरे को पता चले कि एग्जैक्टली आपको समझ आ भी रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं। ठीक है तो मैं तो करूँगी डिस्कस अभी। क्लास मेथड हमारे पास कौन सा है, ये डेफ डिस्प्ले हमारा एज अ क्लास मेथड है। ओके हमारा डेफ डिस्प्ले क्लास मेथड है क्योंकि हमारे क्लास डेफिनेशन के बाद ये कॉल हुआ है इसलिए। तो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने पर्सन को लिख दिया है person पर्सन डॉट डिस्प्ले। अब मैंने यहाँ मेथड को कर दिया है कॉल। ठीक है ध्यान से देखना मैंने यहाँ मेथड को किया है कॉल। ठीक है अब करते हैं इसको रन। सो अगेन आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर, मीन्स मेरा यहाँ तक का कोड भी बिल्कुल सही है। सो मूविंग टूवर्ड्स अनदर, अब आते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हम क्लास को यूज़ करेंगे
आउटसाइड द क्लास मेथड, मतलब अभी तो मैंने क्लास के मेथड को यूज़ किया, अब मैं क्लास मेथड के बाहर को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखूँगी यहाँ पे, मैं लिखूँगी प्रिंट देन पर्सन डॉट नेम. ओके, मैं अभी समझाऊँगी ये लाइन्स भी, सो डोंट पैनिक. देन प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्सन डॉट एज. सो गाइस, ये हमारे पास था हमारा लाइन ऑफ कोड्स. तो ध्यान से देखना, लाइन नंबर 14 एंड 15 में, लाइन नंबर 14 एंड 15 में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है पर्सन का नेम और एज. मैं इस पर्सन वाली जो लाइब्रेरी, पर्सन वाला जो हमारा क्लास बना है लाइन नंबर 11, पर्सन हमारा क्या है, पर्सन हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है. इसमें हमारे पास बेस क्लास की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, बेस क्लास स्टोर है. बेस क्लास में क्या है, हमारे पास हमारा मेथड है, हमारा फंक्शन है, हमारा ऑब्जेक्ट है. तो इसे रन करते हैं. सो मेरे पास आ गया है ऋषि एंड 36. ऋषि इज़ द नेम एंड द एज इज़ अ 36. सो हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया है. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका एप्सोलेशन हो रहा है आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास. जैसे कि मैंने कल भी कहा था आपको, इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया था ये चीज़ कि हमारे पास इनके एप्सोलेशन का कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म नहीं हुआ है. देर आर लॉट मोर थिंग्स इन इनके एप्सोलेशन जो भी हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोज़. सो उसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा, कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं और इनके एप्सोलेशन में. सो आई होप द कंटेंट विल बी यूजफुल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू, समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे गाइस कमेंट करके बता देना, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आ सकूँ. एंड एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डाउट है एंड यू विल वॉन्टेड टू बी वीडियो ऑन दैट टू, तो मुझे कमेंट कर देना, हम आफ्टर ओप्स कॉन्सेप्ट उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो स्टे ट्यून विद गोबिट्रेन एंड कीप लर्निंग पाइथन विद गो.